हेलो एंड वेलकम टू इंडियन फुटबॉल टॉक्स एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आपको लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का प्लीज प्रेस इट क्योंकि देखो ये चैनल इसीलिए बना है भाई ओपिनियंस डिस्कस करेंगे अपने जो ओपिनियंस है डिफर करते हैं किसी से चलेगा बट ओपिनियंस डिस्कस करेंगे आज हम बात करेंगे हमारी फेवरेट बार्सिलोना के बारे में सो फाइनली बार्सिलोना हैव साइंड अ नंबर 9 इन द फॉर्म ऑफ फरान टोरेस अगर आपको फरान टोरेस पता नहीं है और आप अगर आपको लगता है कि ये बिल्डअप जस्टिफाइड नहीं है और ये बिल्डअप खाली फुकट किया जा रहा है ओवर रेटेड बोल बोल कर तो ये जस्टिफाइड नहीं है भाई फरान टोरेस के लिए फरान टोरेस इज अ प्लेयर विथ ह्यूज कैपेबिलिटीज उसके पास बहुत सी एबिलिटीज है वो लेफ्ट विंग पर खेल सकता है वो राइट विंग पर खेल सकता है वो एज अ नंबर 10 खेल सकता है क्या ही बोलूं भाई बहुत वर्सेटाइल प्लेयर उसको अगर स्पेन में देखा होगा आपने तो आप बोल सकते हो भाई ही इज अ डिफरेंट प्लेयर और अगर जो बंदा पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेल चुका है और बार्सिलोना में जेल होने में क्या ही टाइम लेगा भाई वो कुछ टाइम नहीं लेने वाला जल्दी से मर्ज हो जाएगा बार्सिलोना में एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर अस बट टॉकिंग अबाउट फर्नान टोरेस पेप ग्वार्डियोला रेट्स हिम हाईली और मैनचेस्टर सिटी भी उसे जाने नहीं देने वाली थी गाइस मैनचेस्टर सिटी के पास और 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ बट भाई उसे जाना था बार्सिलोना में एंड ही वांटेड अ मूव तो मैनचेस्टर सिटी ने कहा ठीक है अगर आपको जाना है विल टेक अराउंड 65 to 70 million हम आपको जाने देते हैं तो ये एक अच्छी बात है मैनचेस्टर सिटी की तो अपने प्लेयर के बीच में नहीं आते अगर उसको जाना है उसको एक मूव चाहिए तो आप चले जाओ हमारे पास पैसे हम दूसरा प्लेयर ला लेंगे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो बात करते हुए जावी की तो जावी ने पर्टिकुलरली ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड की थी लेपोर्ता को तो अब समझ जाओ अगर जावी ने रिक्वेस्ट की है फरान टोरेस की तो उसको पता होगा कि फरान टोरेस किस हिसाब से खेलता है कहाँ खेलता है कहाँ उसकी बेस्ट पोजीशन है कहाँ मैं उसका बेस्ट निकाल सकता हूँ कहाँ मैं उससे यूटिलाइज कर सकता हूँ और टीम के लिए मतलब फुली एक एसेट बन सकता है फरान टोरेस बार्सिलोना में और ऊपर से अगर आपको लग रहा होगा कि हमारे यंग प्लेयर्स जो होंगे जो नंबर 9 अभी निकले हैं जुटला अगर आपको लगता है उनका गेम टाइम हैम्पर होगा या आपको लगता है अंशु फाटी का गेम टाइम हैम्पर होगा तो ऐसी कुछ बात नहीं है भाई अगर आप देखो हर एक प्लेयर को अपना बेस्ट निकालने के लिए एक बैकअप की जरूरत होती है और जुटला वो काम कर सकता है देखो मैं ये नहीं बोल रहा जुटला एक बैकअप बने ही रह सकता है जुटला भी कुछ आगे जाके वर्ल्ड क्लास बन सकता है वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बन सकता है बट अभी नहीं है अभी उसे एक्सपीरियंस की जरूरत है तो वो उसे फरान टोरेस के साथ मिल ही जाएगा अगर वो एक बैकअप की तरह खेला तो फरान टोरेस को भी कॉम्पिटिशन देगा और फरान टोरेस का बेस्ट निकल कर आएगा और जैसे कि एक आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई मैं एग्जाम्पल लेता हूँ टॉर स्टेगन का देखो जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैकअप थे जैसे कि सेलिसन था ब्रावो तो बैकअप नहीं था उसे बना दिया गया था बट सेलिसन ले लो अब सेलिसन भाई किसी और टीम में जाके ना स्टार्ट कर सकता था बट बार्सिलोना में चूज किया रहना उसने और जैसे कि आपको पता है टॉर स्टेगन हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर था और कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन था उसका बेस्ट निकाल के लाया था सेलिसन ने और ऐसे ही हमें हर एक पोजिशन पे चाहिए एक बैकअप जो हर एक का बेस्ट निकाल कर आए तो इससे हमारी टीम परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और वो प्लेयर जो उस पोजीशन में खेल रहा है वो उस पोजीशन को लाइटली भी नहीं लेगा और बहुत मेहनत करेंगे और ऊपर आ जाएंगे ऐसे तो उन्हें भी चांस मिलेगा इन्हें भी चांस मिलेगा ये भी जो स्टार्टर्स है वो भी इम्प्रूव होंगे जो बैकअप है वो भी इम्प्रूव होंगे बट टॉकिंग अबाउट फरान टोरेस पर्सनैलिटी गाइस क्या पता चलता है इससे इस पर्सनैलिटी के बारे में फरान टोरेस की बहुत ही तगड़ा बंदा एक ऐसी मैनचेस्टर सिटी साइड को छोड़कर आना जो फिलहाल यूसीएल कंटेंडर्स मानी जा रही है उसके बाद पीएल कंटेंडरशिप में है उसे छोड़कर आना फॉर अ बार्सिलोना हु इज नॉट एट द बेस्ट राइट नाउ मतलब हम यूरोपा लीग में खेल रहे हैं हम वैसे भी ये साल तो मुझे नहीं लगता कि हम ला लीगा टाइटल कंटेंड कर पाएंगे वी आर कंटेंडिंग फॉर द टॉप 4 उस बार्सिलोना के लिए आना शोज हिज कैरेक्टर गाइस मतलब उसे चाहिए कि मैं यहाँ पर आके नया एरा चालू करूँ नया एरा स्टार्ट करूँ और मैं एक एसेट बन सकूँ इस टीम के लिए और मैं इस टीम में एक मेरा नाम बना सकूँ और बार्सिलोना में मेरा नाम दर्ज हो जाए तो ऐसी कुछ प्लेयर चाहिए हमें भाई ऐसी डेडिकेशन चाहिए ऐसे प्लेयर्स चाहिए ना ही इलाश मोरीबा जैसे जो पैसे के लिए भागे और बाद में रिग्रेट करे कि मैं गलत कर दिया ठीक है ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो हमारे अपनी सैलरी रिड्यूस कर रहा है भाई वो मैनचेस्टर सिटी में भी ही वॉज वन ऑफ द लोएस्ट अर्नर्स भाई मैनचेस्टर सिटी का वेज बिल बहुत बड़ा है बहुत तगड़ा है बार्सिलोना के हिसाब से बहुत बड़ा है ठीक है तो उसमें भी वो लो अर्नर था उसमें भी तो आप समझ सकते हो कि बार्सिलोना में आने के लिए उसने अपनी सैलरी कितनी रिड्यूस की होगी और उसे पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तब जाके वो रिड्यूस कर रहा है और भाई क्या ही बोल सकते हैं हम उसे वो मूव चाहिए था और वो पॉसिबल कर रहा है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है और इससे वो रजिस्टर भी हो जाएगा अगर सैलरी रिड्यूस करेगा बट
यहां बात होगी ओस्मान डेम्बेले की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। अब ओस्मान डेम्बेले की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात बहुत अच्छी नहीं चल रही फिलहाल में। न्यूज आई है कि ओस्मान डेम्बेले वॉन्ट्स टू स्टे एट बार्सिलोना और ये बहुत महीनों बाद ऐसी न्यूज आई है कि ओस्मान डेम्बेले कह रहा है कि आई वॉन्ट टू स्टे एट बार्सिलोना, आई एम हैप्पी हियर। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, बट क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जल्द से जल्द हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है क्लब ने उसे एक डेडलाइन दे दी है कि जनवरी के ये दिन तक आपको, या दिसंबर के ये दिन तक आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर देना होगा, नहीं होगा तो यू वुड बी आउट, हम आपको बाहर कर देंगे, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो उसके पास, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी सैलरी रिड्यूस भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है, और डेम्बेले इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स फॉर बार्सिलोना, और इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी जो सैलरी में से पैसे बचेंगे हम साइनिंग्स में डालेंगे, हमारे एफपीपी रूल्स जरा कम हो जाएगी, मतलब हम वी कैन रजिस्टर फरान टोरेस। क्योंकि देखो लेलिगा के एफएफपी रूल्स हमें वैसे भी फेवर नहीं करते, हमारी वैसे भी वेज विन में बैंड बजी हुई है और हमें वैसे भी रजिस्टर करने में बहुत तकलीफ हुई थी। डैनी एल्वेस को बेचारा फ्री पर खेलने आ गया है, कुछ 1 यूरोस का 2 यूरोस ही ले रहा है, मतलब नेग्लिजिबल फी ले रहा है डैनी एल्वेस, तो एफएफपी रूल की तो वैसे ही बजी हुई है और वैसे भी हमें कुछ लेलिगा हेल्प नहीं करनी हो, तो कह रही है बस सीवीसी डील साइन करो तो हम आपको ये करेंगे। तो बार्सिलोना कंसिडर भी कर रही है क्योंकि इंप्रूवमेंट्स हुए हैं सीवीसी डील में, आगे जाके पता चल गया करेगी क्या नहीं। बट और जो डेम्बेले की मतलब सैलरी रिड्यूस होगी, मतलब उससे हम फरान टोरेस को मतलब कर सकते हैं। और डिपार्चर्स भी ज़रूरी है क्योंकि अगर डिपार्चर्स नहीं हुए तो इसका मतलब वेज बिल तो वैसे भी हमारा जा ही रहा है और एफएफपी रूल्स में भी कुछ कमती नहीं हो सकती अगर हमारे डिपार्चर्स नहीं हुए, तो डिपार्चर्स भी ज़रूरी है। बट सो पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड फरान टोरेस ब्रिंग टू बार्सिलोना? पहली बात तो क्लिनिकलनेस, जैसे कि आपको पता है हम बहुत चांसेस हग देते हैं, तो वो अब से नहीं होगा शायद से, क्योंकि फरान टोरेस बहुत क्लिनिकल है। अगर आपने स्पेन में देखा है उसे, अगर आपने मैन सिटी में देखा है, वैलेंसिया में देखा है जब वो फिट है और वो खेल रहा है, तो वैलेंसिया के लिए जैसे आपको पता है ही वॉज वन ऑफ देयर मेन प्लेयर्स, तो बोलते हैं ना जो गो टू प्लेयर्स होते हैं वो वैलेंसिया के लिए था फरान टोरेस, तो मुझे लगता है वो क्लिनिकलनेस प्रोवाइड करेगा। ऊपर से हमारे पास एक स्ट्राइकर होगा, भाई कितने बार बोल लूँ मैं, बहुत बहुत तगड़ी बात हो सकती है ये, क्योंकि देखो हमारे वैसे भी प्लेयर्स इंजर्ड है, अंशु पाटी हो गया, ब्रेथवेट भाई जो स्ट्राइकर था हमारा वो तो इंजर्ड हो गया, फिर उसके बाद एग्वेरो तो खेलने नहीं वाला अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल अभी से, तो नंबर 9 तो मिल गया। तो इससे हम एक दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डीपे? क्या डीपे अब स्टार्ट कर सकता है? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मतलब क्या डीपे इन प्लेयरों के साथ स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि हमने देखा अभी आपदे तो भाई खेलने ही वाला है, एक विंग चाहिए, अंशु पाटी आ गया तो अंशु पाटी आपदे में कंपटीशन हो सकता है, एक अंशु पाटी डेम्बेले में कंपटीशन हो सकता है, बट ये दोनों में से एक तो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या आपको लगता है मेम्फिस डीपे यहाँ पर कहाँ स्टार्ट करेगा भाई? इसी के साथ ही हम एक क्वेश्चन पर चले जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूँ इंजरी के बाद आकर मेम्फिस डीपे जो एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर था, क्या आप उसे बेंच करोगे? अब इस बारे में जरा ध्यान से सोचना, क्या आप उसे बेंच करोगे उसका रिसेंट फॉर्म देखते हुए, या आप अपनी मतलब मेम्फिस डीपे को इंक्लूड कर लोगे जब वो आ जाएगा? अब ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास वैसे तो विंगर्स मिल चुके हैं हमें, देखो आपदे इज प्लेइंग रियली वेल, उसके बाद डेम्बेले अगर फिट है तो आपने देख ही लिया वो सेविला में कैसी तबाही मचा रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास एक नंबर 9 तो आ ही रहा है फरान टोरेस के रूप में, उसके बाद यू हैव अंशु पाटी हु विल बी बैक, तो क्या लगता है आपको मेम्फिस डीपे बेंच करेंगे मेम्फिस डीपे को, या वापस वो एक स्टार्टर बन जाएगा? वो तो अब उसके फॉर्म पर डिपेंड है, बट आपको क्या लगता है मेम्फिस डीपे अगर इंक्लूड कर भी लिया मेम्फिस डीपे को तो वेयर विल ही प्ले? बट डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, क्या लगता है आपको क्या होगा मेम्फिस डीपे के साथ, या बहुत सी चेंजेस होंगी हमारे टीम में या नहीं? तो कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में बताइए मुझे, तो हम डिस्कस कर सके उसे अगली वीडियो में। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, रुको, अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो भाई इधर तक देख लिया हो तो सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है? तो मिलता आपसे अगली वीडियो में, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, सतर्क रहे, बचे रहे, ओमिक्रॉन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है।